और ले लेंगे तो आपको ये ट्रॉली बैग फ्री मिल जाएगा। अब आप लोग इसका इंसाफ करो। तो खैर कोई बात नहीं, तुमने ले लिया मेरे लिए। वहाँ पे देखो मेरे लिए भी ले सकते थे, रेहान के लिए भी ले लेकिन सकते मैं थे। तुमसे मेरा बता मिली, मैंने पैंट ले लिया था ये वाला, तुम टेंशन मत लो। तुम ये ठीक अच्छा किया। देखो फ्रेंड्स, कोई भी चीज की फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए। जो मेरा है वो आपका है, जो आपका है वो मेरा है। कानपुर में एक मुस्कान करके शॉप थी, वहाँ से अम्मी गई थी भाभी के लिए सूट लेने के लिए और सबके लिए। अम्मी ने ये अम्मा के लिए लिया, सनी को ये कलर बहुत ज्यादा पसंद आता है। चप्पल जूते की शॉप गए थे सलूजा, ये बहुत अच्छे लगे। अगर मुझे एनिवर्सरी मिलते ये देख, तो मैं यही पहनती ना, यही तुमको बोलने वाली थी ना। हाँ, एनिवर्सरी के टाइम मिलते तो यही पहनती। अब कभी भी किसी की भी शादी होगी जहाँ पे मुझे हैवी कपड़े पहनने होंगे तो फिर मैं ये पहनूंगी। और भाई प्लीज यार, शादियों में बुला लिया करो यार, क्यों नहीं बुलाते यार। प्लीज ऐसे मत करो, सबको लगेगा कि पहन के देखो। भाई कल तो पहन के देखा था यार, अच्छे लग रहे हैं लेकिन। ये देखिए फ्रेंड्स, से हाइट भी मिल रही है, कंफर्टेबल भी है और चमचम भी है। सैंडल मेरे चमचम कर दे, जल्दी करो फटाफट। तो जो पटना से हमारे आए थे उनको सॉरी, से आपको गिफ्ट अनबॉक्स नहीं करा है, तो ये तो वो हमारे लिए एनिवर्सरी गिफ्ट लाए थे। और उनकी मम्मी ना अचार बनाती है, ये मोहल्ले की सारी वुमेन्स मिलके बिजनेस चलाती है ऐसे, घर पे कोई कोई चीज बनाना, अचार पापड़ ये सारी चीजें। तो चटपटा स्टोर के नाम से उनका इंस्टाग्राम पेज है, पास से देख लीजिए चटपटा स्टोर को। तो मैं सबसे पहले सनी वाला ओपन करती हूँ। सनी, अब ये पहनने के लिए फिर से कोई फंक्शन करना पड़ेगा। नहीं नहीं, अभी तुम्हारा बर्थडे है ना। हाँ, बहुत शानदार, अच्छा कलर है। अब ये है अब मेरा, तो देखिए अभी इसमें मेरी गाड़ी बहुत तगड़ी आई भाई। और मेरा मुंह, तुम्हारा मुंह बहुत अच्छा है। वो बोल रही थी कि क्या बोलते हैं, हमें लास्ट मोमेंट में जल्दी जल्दी करें। आपको पता है वो हमसे मिलने के लिए हैदराबाद पहुंचे थे जब हमने मीटअप डाला था। क्या बात कर रही हो, पटना से हैदराबाद पहुंचे, नहीं मिल पाए, फिर वो वहाँ से पटना से यहाँ आए कानपुर से ढूंढते, उन्हें कुछ नहीं पता था। उन्होंने व्लॉग देखते देखते सारी चीजें ढूंढी है। और जब एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सबा अपनी एनिवर्सरी के गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। यहाँ पर सबा और सनी को बहुत कुछ मिले हैं एनिवर्सरी में। और सबा बहुत दिन पहले एक शॉपिंग की थी शूज़ के, शूज़ तो वही शूज़ सबा को मिले हैं और ये सबा को बहुत पसंद भी आया है। और सबा इस तरह के शूज़ ढूंढ रही थी अपनी एनिवर्सरी ड्रेस के साथ पहनने के लिए, लेकिन तभी सबा को नहीं मिला है, मिला लेकिन बाद में मिल गया है। फिर से कभी अगर शादी में जाएगा तो इंशाल्लाह सबा ये वाला शूज़ पहन के जाएगा, जो बहुत ही क्लासिक है, बहुत ब्यूटीफुल है, स्टोन का काम किया हुआ है, जो सनी को भी बहुत पसंद आया। आप लोग सबा सनी के लिए दुआ करो और देखते रहो इब्राहिम फैमिली की ब्लॉग।